तहसील बार एसोसिएशन के बने दूसरे गुट के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. शेफाली सिंह का बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस दौरान उप जिला अधिकारी अजय कुमार गौतम को भी सभी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद एल्डर कमेटी के कमाल अकबर एडवोकेट और राम कुमार सिंह यादव एडवोकेट ने बार के अध्यक्ष अजय पाल सिंह, सचिव प्रमोद कुमार शर्मा को शपथ दिलाई। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में बोलते हुए उप जिलाधिकारी अजय कुमार सिंह गौतम ने तहसील बार एसोसिएशन और कोर्ट के बीच सामंजस्य बनाए रखने की अपील की और सभी अधिवक्ताओं को शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम में बोलते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. शेफाली सिंह ने बार के अध्यक्ष के साथ साथ सभी पदाधिकारियों को शुभकामना दी। इस दौरान कार्यक्रम में वरिष्ठ उपाध्यक्ष आनंद यादव, इमरान हुसैन, मोहम्मद नजर, कनिष्ठ उपाध्यक्ष चंचल कुमार, इकबाल हुसैन, राजू गुप्ता, अलंकार शर्मा, संयुक्त सचिव उपेंद्र यादव, संगठन मंत्री अतुल कुमार शर्मा, अमित शर्मा, मोहम्मद अकील, संजीव यादव, मैरादी कोषाध्यक्ष अखिलेश चंद्र गौड़, प्रवक्ता भारत सिंह यादव, मनोज कुमार पारस आदि लोग मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में संभल लोकसभा प्रभारी राकेश चौहान, परमेश लाल सैनी, पंकज, साथ ही नगर पंचायत महमूदपुर माफी अध्यक्ष प्रतिनिधि मंगल सेन, जिला पंचायत सदस्य विश्वास यादव उर्फ लवली यादव, व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष देवेश कुमार शर्मा, भारतीय किसान यूनियन के चौधरी महक सिंह, पंकज चौहान, रजत माथुर, पवन शर्मा के साथ सभी सभासद मौजूद रहे। ये तो मतलब जैसे कहते हैं ना, अब आप लोगों के सामने बोलने का मौका मिले तो डर भी लगता है, क्योंकि अधिवक्ताओं के सामने बोलना बड़ा भारी काम है और मन भी नहीं करता कि माइक छोड़ दे जल्दी से, कि बड़ी बहुत सारा बोलने का मन भी करता है क्योंकि बड़ी मुश्किल से आप लोग श्रोतागण में मिलते हैं। एक ये जीवन की हकीकत है कि चाहे डॉक्टर हो या वकील हो, कहते हैं इनसे कुछ छुपता नहीं है और इनसे कुछ छुपाया नहीं जाता है। हम और आप, हम दोनों ही ऐसे व्यवसाय में है, ऐसे प्रोफेशन में है जिसमें कई बार हमें गलत व्यक्तियों के साथ भी जुड़ना पड़ता है। आपको उनका केस लड़ना पड़ता है, हमें उनका इलाज करना पड़ता है। हमें पता होता है कि वो अपनी जगह पे गलत है, लेकिन फिर भी हमें उनके साथ रहना पड़ता है क्योंकि न्याय की यही मांग है हमारी न्यायपालिका। परेश और मेरे साथी अधिवक्तागण, हमारे एल्डर कमेटी के अध्यक्ष और सचिव महोदय, हमारे वरिष्ठ अधिवक्तागण, जैसा कि आप सब